कहा था मैंने इसको, कहा था इसको। मेरी बात नहीं सुनी इन्होंने, मत लड़ो इलेक्शन, ये कोई हमारा काम थोड़ी है, ये तो नवाब और जागीरदारों के काम है, उनके खेड़ हैं। मुंडिया दे दे के एक जत्थी हमारे पास, वो भी बदबख्ता तूने रोल दी मिट्टी च। किस मुंह से जाऊंगा बाजार में, थू थू करेंगे लोग मुझ पे। जा तनुज आप पूछे, किसको वोट दिया था तूने, बोल किसको वोट दिया था? मैंने उसको मिर्जू को वोट दिया था। मेरी बात सुन, मेरे साथ झूठ ना बोल शौके, तेरी आंखें बता रही हैं तू झूठ बोल रहा है। किसको वोट दिया था तूने? और मैं बता तो रहा हूँ तुझे, मैंने मिर्जू को वोट दिया, जा जाके खुद ही देख ले, उस वोट पे मेरे हाथ की मोहर लगी। और मुझे मार क्यों रही है, मैं क्या हूँ? किस तरह मैं वोट दिया था तूने, बोल। वो मैंने मिर्जू को वोट दिया है, मैंने मिर्जू को वोट दिए। मारे जाएंगे। कितने पैसे लिए तूने? और कौन तोती तुझे मुझ पर एतवार ही नहीं? मैं क्या रहा हूँ? मैंने उसको वोट दिया था। ताती देख इसकी जेब में कितने पैसे हैं। अबे जानो ऐसे देख तू। मैं नहीं ना, मैं कान पकड़ के ना पोट के तेरे हाथ में बना दूंगा। ओए ओए ये कुछ नहीं है, और कागज पड़े हैं मेरे, मार क्यों रही है मुझे, मैं क्या रहा हूँ? ओए तोती, ओए मैं तो ये देख कुछ पैसे नहीं पूरी। ठीक कह रहा था वो, ठीक कह रहा था वो मरण जोगा, तूने मेरे वीर का वोट बेच दिया, तू मेरे से पैसे ले रहा था कुड़ी के, मेरे वीर की क्यों बेइज्जती कराई सारी दुनिया में? आए अल्लाह, किसे जोगा नहीं चढ़िया मैनू, इन्हें पिंड जान जोगा नहीं चढ़िया इस नशे ने, मेरे पिंड च मूत खान जोगा नहीं चढ़िया इस नशे ने। दो चार छः दो चार। अम्मा इसमें जरा ज्यादा डाल दे, 12-13। क्यों, माँ को भिजवानी है? मेरी अम्मा मिठाई नहीं खाती है, ये साथ वाले पड़ोसियों के घर भिजवानी है, उनके बच्चे ज्यादा है ना, क्या फायदा कि बेचारों के हिस्से भी ना आए। क्यों, यहाँ हलवाई की दुकान खुली हुई है, एक मान मिठाई मंगवाई है, पूरे पिंड को बांटनी है, साथ से ज्यादा नहीं दूंगी। तौबा है अम्मा, खुशी के वक्त तो कम से कम हाथ खुला रख लिया कर अपना। हाँ मैं कंजूस हूँ, मेरा हाथ खुला नहीं है, हाथ खुला तो तेरी माँ का है। बड़ी आई जागीरदारनी, तू तो मिठाई खा के पली हो ना, कभी देखी भी है इतनी मिठाइयां? मेरे पुत्र की कमाई पे प्रधान मान के बैठी है, बड़ी अक्कल है तेरे पास, और मैं कंजूस। अम्मा मैंने कौन से ऐसी कोई बात कह दी जो तूने इतनी लंबी तकरीर काट डाली है? हाँ तू तो बड़ी मासूम है, तू तो कुछ कहती नहीं है, तेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है। मैंने ऐसा क्या कह दिया अम्मा? अबे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तेरी कौंसलरी की ना मिठाई बांट रहे हैं। चंगी गल है, चंगी गल है अम्मा, और ज्यादा से ज्यादा मिठाई बांटना है, और कम पड़ जाते बेशक हलवाई से मंगवा लेना। यही तो मैं अम्मा से कह रही हूँ। हाँ तो किलो किलो भर दो दिए सब करो को। हाँ तो ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना, रहने की इज्जत का सवाल है, रब रखा। अम्मा ये टोकरा मुझे दे दे, मैं डाल लेती हूँ इस प्लेट में, फड़ा इधर मुझे ले भी। जीरे चौधरी रहीमे की जीत की खुशी में ऐसा गुलूकार लेके आया हूँ, इसको सुन के सबके दिल बागो बहार हो जाएंगे। आहा हा। अच्छा चल फिर इसको कह के ऐसा गाना गाए
कि डेरे पर बैठे हुए हर बंदे का दिल खुशी से झूम उठे। ले भी शुरू कर करना इतनी लागर दी ढोला तू मन चा साड़ी एरती ढोला काला जोड़ा तू पाचा शेरी साडे दिल दी ए मर्दी ढोला ए रंग के दानी पाया ते पाके नी अजमाया अज काला जोड़ा पासा जी परमेश ने हर पाके सामने आसा जी परमेश ने ए रंग के दानी पाया ते पाके नी अजमाया अज काला जोड़ा पासा जी परमेश ने हर पाके सामने आसा जी परमेश ने किसी को नलायक औलाद भी ना दे। और नहीं है, नहीं नहीं मिहदा हमारा नलायक नहीं है यार, उसके साथ धांधली हुई है और यकीनन ये किसने किया रिमेन है, ये उसी का काम है। अब हमें जैसे मर्जी कराई हो लाना दस पे। अब मैं तो कहता था ना इलेक्शन इलेक्शन करो, और भाई ये हमारा काम है, कुम्हारों का काम है, ये तो जागीरदारों का काम है। पर वो है कहा, मुझे तो नजर ही नहीं आया यार। इधर ही किधर कंधे मुंह दे के रो रहा होगा और क्या। चाचा मुंशी,
चाचा मुंशी। ओ क्या है? ओ ले दस, ओ तू इधर बैठा हुआ है, ओ मैं और अब्बा पट्टे पे ढूंढ रहे थे तुझे। पर काम क्या है? इट्टें लेनी थी और क्या। अब्बा बैठा है, चल उठ, इंतजार कर रहा है तेरा। अच्छा अच्छा चलते हैं, दो मिनट ठहर जा। सलाम चाचा ममदू। वालेकुम सलाम जी, फरमाओ क्या बात है। ओ ये मीदू किधर है, सुबह से नजर नहीं आया। मेरे जाने जुती है। वैसे चाचा ममदू, मीतू के साथ हुई बड़ी बुरी है। क्या मतलब तेरा? एक वोट, मैं तो पछता रहा हूँ कि एमी वोट पा बैठा हूँ मैं तो। ओए वो वोट तूने दिया था? मेरा था और किसका था, मुझे क्या पता था मीतू को एक की वोट होना। और जो वोट मैंने डाला है वो किधर गया? और चाचा तुझे गलत फहमी हुई होगी, और तूने रीमे के निशान पे मोर लाई होगी। तो सुन लो, मेरा भी इतना ही दिमाग खराब हो गया है। ओए मुंशी जा अपने पट्टे पे जा, गा काए इन्हें नेटा दे, अपना काम कर जा जा। ओ वैसे चाचा, ओ मेरा यकीन कर, वो वोट मैंने ही पाया था। ओ चला जा, मैंने इट मार। अच्छा अच्छा, इट मार देनी, सिर पार देना ताड़ा। बस बस हौसला कर, हौसला कर मोहम्मद दीन, ये हार जीत ना जिंदगी के साथ साथ है। चल मुंशी तू भी निकल जा, अपने पट्टे पे बैठ, अपना काम करे कर, कोई काम होना नहीं, सारे इतने कटे जाने। जा एकदम। चल चल काका, इसका तो वाकई दिमाग फिर गया, आऊंगा मैं फिर बात करूंगा तुझसे। चल आ, तुझे ईंटे दूं। आया दो दू चाचा, वोट मेरा था, चमचा रीमे का, सारे पिंड का चूटा। सलाम मासी बाला। वालेकुम सलाम, सुना ठीक ठाक तो है? सीमा अंडे हैं? अंडे हैं तो सही, तुझे कितने चाहिए? 10। तेरा बेड़ा तर जाए कुड़िए, उरा अंदर लांग गया। बल्लो पट्ठे 10 अंडे, ओ खैर तो है, घर में परौने शनौने आ गए हैं? हाँ मासी, घर में परौने आए हैं। 10 अंडे तो नहीं है, 5 अंडे हैं, तू ठहर में लेके आती। उठता लेके आ। ओ नहीं नहीं सीमा, तू बैठ, कोई इतनी जल्दी नहीं है। पा मीदू को क्या सूझी, इलेक्शन ही हार गया, सारे पिंड वाले बातें कर रहे हैं, मिला भी तो एक वोट, वो भी मेरी माँ ने डाला है। ना तेरी बेबे का, और नहीं तो क्या, बेबे ने तो डाला है एक वोट। हालांकि रीमा 500 रुपया दे रहा था, पर मेरी बेबे ने तो कहा कि मैंने तो वोट मीदू को ही डालना है। पर हमें क्या पता था कि पा मीदू की संदूकड़ी खाली निकलेगी। जुत्ती चक के मैंने तेरे सर में कट मारनी है, आई वड्डी फफे कुटनी, जाए काम कर चल के अपना। हाँ मासी, तूने तो मेरी गल का गुस्सा कर लिया, मैं तो अंडे लेने आई थी। और बाबा ना ले रहे यार, तू अंडे मारे कार से, कितनी पिश्तियां कर रही है, जा काम कर चल के अपना, फफे कुटनी ना हो तो। भले का तो कोई जमाना ही नहीं है, हमने तो वोट मीदू को डाला था, अब भला वो नहीं जीता तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं शिता फड़ के ना तो तेरे सिर में कट मारना, चल शाबाश लो पड़कार। जा रही हूँ। चुड़ेल जी जा मगर लग जा, मैं मार मार के जुत के जुती को छड़ना। हार गया है पा मीदू, मेरे मीदू को वड्डी गल्ला करने वाली आ गई है। जा रही है। हाय बेचारा, कितना मासूम है, मुझे तो तरस आ रहा है इस पे। मुझे तो हैरत हो रही है कि इस पागल को वोट किसने दे दिया, खुद ही किया होगा खुद को वोट। चुप करो लड़की का, वो देख रहा है। देखता है तो देखने दो, हम इससे डरते थोड़ी ना है, औकात क्या है इसकी, काउंसलर बनने चला है। मीदू मैं क्या बात है, वो क्या परेशानी है मुझे तो बता, छोड़ लोगों को, लोगों के मुंह को कौन रोक सका कोई। ए, सब तेरी माँ का किया तरह है। क्या क्या किया मेरी माँ ने? ओए ना मैं उस मनहूस घर में जाता, ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। क्या मेरी माँ का घर मनहूस है? ओए और नहीं तो क्या, जिंदगी हराम हो गई है मेरी।
ठीक है मीदू, अपनी हीरे जैसी बेटी को बांध दिया तेरे पल्ले। मेरी माँ को तो घर मनहूस होना ही था। और ना बांधते ना, दे देते किसी रे मैं जैसे को, क्यों देखे तुम्हारों को। जा चलिए यहाँ से, आज से तू मेरी जिंदगी से फारग है। क्या क्या कहा तूने? मैं एक बार फिर से कहीं जरा। हाँ हाँ चल जा यहाँ से, जा किसी रे मैं जैसे से। बस इससे आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं तेरी जान ले लूं। आज तक तूने जो कुछ कहा, जो कुछ किया मैंने साथ, हर अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया मैंने। इतनी आसानी से ये सब कह दी और एक लम्हे में सारा कुछ खत्म कर दिया तूने। ठीक है, सवेर होते मैं चली जाऊंगी अपनी माँ के घर, और अगर तू कहता है ना तो मैं अभी चली जाती हूँ। वे तोती, वे हर वाले कैंचे खेड़ता रहता है, वे मीदू को कहीं देखे है? पामीदू? हाँ पामीदू को अभी थोड़ी देर पहले मस्जिद के तो जाते हुए देखा था। कदी पढ़ भी लिया कर, माँ बेचारी कलपती रहती है। क्या मुंडा भी अरे की करन गया है मस्जिद वाले पास से भी। ना काउंसलर ही मंगी, बस इज्जत ही तो मंगी थी, पर मीदू को इज्जत भी नहीं मिली। अल्लाह मियाँ जी, तूने मीदू को अच्छा आदमी क्यों नहीं बनाया? खैर जो हुआ सो हुआ, पर अब तूने मीदू को अच्छा आदमी बनाना है ना, फिर मीदू से शिकायत ना करना। लमिया जी, सीमा भी मुझसे नाराज है, इसको भी मना दे, सुन रहा है ना? मेरी बात सुननी होगी तूने, बस मैंने कह दिया, मेरी बात सुननी होगी, सुननी होगी मेरी बात। अल्लाह रब्बा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उससे तो मीदू की ये हालत नहीं देखी जाती। फौजिया के पास गई थी तू? हाँ, उसने गोलियां दी थी नींद की, दूध में मिला के पिला दी है मीदू को, सो रहा है बेचारा। मीदू के अब्बा, मुझे तो समझ नहीं आती कि बनेगा क्या। गरीबों का कभी कुछ बढ़िया समझ में नहीं आता। तेरे पास है कोई हल? लेकिन अब मैं तो कहती हूँ कि हम ये पिंड ही छोड़ देते हैं। अल्लाह की जमीन काफी बड़ी है, मिल जाएगी कहीं रहने को छत। मीदू नहीं मानेगा। बात करने में क्या अर्ज है,
बात तो करके देख। वो तेरी एक बहन भी तो रहती है ना जग 14 में, रसूला। हाँ रसूला, मैं तो कहती हूँ मीतू को वहीं भेज दे। चला जाएगा ये? गल ते करके वे और मानी जाए, लेकिन कुछ वेला टप जाएगा ना, पिंड के लोग भी भूल जाएंगे, मीतू भी भूल जाएगा। एक बात पूछूं तुझसे, बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर ली? हुआ ना तो चंगा नहीं हुआ मेरे साथ। बस तो फिर अब करना क्या है तूने? पता नहीं यार, ये तो कोई बात ना हुई। अब तुझे पता रीमा कैसे इलेक्शन जीता? नोटों से जीता है, नोटों से। नोटों से? हाँ। अब देख, एक घर में रहते हैं 6 आदमी, अगर वो एक एक आदमी को 500-500 रुपये भी दे तो उसके घर में तो शाम को 3000 पहुंच गया। तो जो भूखे नंगे को किसने वोट डालने? सारे वोट तो देंगे उसको। पर चाचा अब मैं करूं क्या? अब काका तूने उससे लेना है बदला। पर वो कैसे? तू भी नोट इकट्ठे कर। मैं चाचा? हाँ। और मैं भला नोट कहां से लाऊं? वो भाई तू शहर जा काका, शहर शहर जाके दिन रात एक कर दे, मेहनत कर, नोट इकट्ठे कर और लेके आ यहाँ, फिर मैं देखूं रीमा तुसे इलेक्शन कैसे जीता। तुझे पता रीमा कैसे इलेक्शन जीता? नोटों से जीता है, नोटों से। भाई तू शहर जा काका, शहर शहर जाके दिन रात एक करके मेहनत कर, नोट इकट्ठे कर, फिर मैं देखूंगा रीमा कैसे जीता है तुझे इलेक्शन। काका ये सीमा बता रही थी वो तो तुझे ताप चढ़िया, तुझे गेम के बाहर ले चलूं? और नहीं अब्बा, और मैं ठीक हूं, और तू फिक्र ना कर। फिक्र ना कर? और मैं फिक्र ना कर? वाह भाई वाह, कल्ला कल्ला तू मेरा पुत्र है, हमारा है कौन तेरे से? और मैं फिक्र ना करूं, तुझे मना करता था, मैं मना करता था, ना पढ़ इलेक्शन के चक्कर में, पर तेरे तो सर पे भूत सवार हुआ था कंचली दीदी का, देख लिया तमाशा हैं? मैं दस, तू मुझे ताने देने आया? अब ताने मैं दूंगा? तो मेरा तो खून खोल रहा है पागला। सब बंदे को जहां पैदा करे ना, और जिस हाल में भी रखे काका, बंदे को खुश रहना चाहिए, सबर करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए रब दा, हड पैर सलामत ने। पर तू अल्लाह जाने, ना तू डेरे पे आता है, ना तू दुकान पे आता है। ये बता, इतना बड़ा हो गया है तू करेगा क्या? अब्बा मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा बस। क्या? पैसे कमाने हैं मैंने बोरी भर के। हाँ शहर में क्या पैसे दरख्तों के साथ टंगे हुए हैं? मुझे नहीं पता, मैंने सोच लिया कि अगले इलेक्शन तक वोटों जितने नोट कमा के लाऊंगा, भावे कुछ हो जाए। हाँ इतना ही गंद मच जाता है ना एकदम। तोती नीदू किधर है?
क्या बात है लाला, क्या लेना है, कड़ा या किनाली? कड़ा लेना। कड़ा ये ले, तेरा कड़ा। पर ये मिदु है किधर? वो पा मिदु घर पे है। क्यों दुकान पे नहीं आता अब? ना जी ना, उसने दुकान मुझे दे दी है। तुझे दे दी है? ओ पर क्यों? बस उसकी मर्जी। चल बहुत यहाँ गल्ला ना कर। कितने का कड़ा? ऐ कड़ा ना 45 रुपए का है। 45 रुपए का? आहो वो पिछली बार तो मैंने वियों का लिया था। ओहो वियों के जमाने के, अभी ये नया जमाना है। 45 रुपए का लेना तो ले, नहीं लेना तो ना ले। वो 45 का तो शहर से मिलता है, वो बल्कि 35 रुपए का मिल जाता है। ना जी ना, पूरे 45 रुपए लूंगा, 1 रुपया कट नहीं करूंगा। लेना तो ले, पर निकल यहाँ से। बहुत ही शहर हो गया तू तोती, तुझे तो बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही है। ले फट, बदतमीज ना हो तो करता हूँ तेरी मीदू से शिकायत में। बैठा कर जिससे कर लिया है तेरी की। चल भागता है यहाँ से। बड़े प्यार से मैंने समझाया तुझे, हैं तेरी अकल में बात नहीं बैठती। तुझे हो क्या के हैं? हो क्या के? था मार देना मत तू बख्ता, था मार देना। खड़ा खड़ा क्या कर? संगीत कुटेगा। बैठ है भैया। अंतिया एक बात बताए तू, ये शहर जाने की मत तुझे किसने दी? किसी ने नहीं दी, मेरी अपनी अकल ने काम किया है। तेरी अकल में? तेरी अकल लित्राल मार मार के अकल कट देरी तेरी में। अकल ने काम किया है बाप। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं शहर जाऊंगा। बस मैंने शहर जाना है। इधर देखो है, देखा मुंह तो मारूंगा तेरे शहर जाना, लता बन जाएगा तेरी में। मैं शहर जाऊंगा, वहां पैसे कमाऊंगा, फिर इलेक्शन जीतूंगा देखने ने। आ मेरे मालका, क्या औलाद दी है, इससे तो बेहतर था जमदा ही मार जंदा। चले उठ उठ घर से, उठ तो निकल जा। और मेरे कार्य चांगा ना बड़ी, तेरा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं। निकल बा, निकल बा, चल उठ उठ उठ। बस अब बड़ी हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत मारे खा ली। और तेरे मिदू की तो इस गांव में इज्जत ही नहीं है। कौन? मेरा मिदू? मेरा मिदू तो जमदे ही मर गया। निकल जा, निकल जा, निकल 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 जा। बस मैं जा रहा हूं, जा। मैं हूं वापस ही नहीं आऊंगा। मिदिया, मैं वापस मोड़ आवा, मेरे लाड़ लिया। पहली तरह कलेजा बच ठंड, मेरे एक एक पुत है, उसे भी हर वाला चंद्रावल ही करता रहता है। बिस्ते पे बिस्ते, बिस्ते पे बिस्ते, कहां से लब के लाऊं अपने पुत? मिदू रुक जा, मिदू मिदू एक बार फिर कहती हूँ तुझे, पिंड छोड़ के ना जा मिदू। और मैं भी तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं हूँ उस वेले आऊंगा जब मैं कुछ बढ़ जाऊंगा। वो क्या बनना चाहता है तू? बनना क्या चाहता है? बड़ा आदमी, बड़ा आदमी बन के इस गांव में आऊंगा वापस, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। किसके सारे छोड़ के जाएगा अपनी सीमा को? ओए अब्बा है, अम्मा है, पापा मुनीर है, सारे तो हैं तेरे पास। तू तो नहीं है ना मीदू, वो कैसे जीऊंगी मैं तेरे बगैर, कैसे जिंदा रहूंगी?
मेरा भी एक एक पल तेरी याद में ही गुजरेगा सीमा, पर मुझे जाना है, मुझे रोकी ना। फिरी तो दुनिया ही तू है, तेरे बगैर मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं सीमा समझने की कोशिश कर, तो कल मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तेरी भी इज्जत होगी। कोई अब्बा जो मुझे मारता ना, देखना अपने सर पे बिठाएगा मुझे। बड़ा आदमी बनने के लिए शहर जाना जरूरी तो नहीं है मीतू, और पिंड में रह के भी तो तू बड़ा आदमी बन सकता है। तो बस सीमा बस, तो मुझे अपनी बातों में ना उलझा। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता ना, उसी तरह मीतू के उठे हुए कदम नहीं वापस हो सकते। बस भूल जा अपने मीतू को वापस आने तक। ये वापस आ गया ना तो सत्ते खैरा, जे ना आया ना तो ये समझ लेना कि तेरा मीतू ऐसी जगह चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। ना जा मीतू, अपनी सीमा को छोड़ के ना जा। हाँ जी जनाब, कराया जाना किधर है? बस जाती किधर है? वाह, और लाहौर लाहौर आवाजें लगा के मेरा गला थक गया, और ये जनाब पूछ रहे बस जाती किधर है? लाहौर जा रही है सरकार। मैंने भी फिर लाहौर ही जाना है। तो कराया? डेढ़ सौ रुपया और दो भी। किस बात का? लौट जाना है कि नहीं? मेरे पल्ले तो यही है भाई, पल्ले पुल्ले नहीं चाहिए। रोक के उस्ताद, पर मेरी बात तो सुन यार। और बात बूत क्या भाई, मालकों को साफ देना मेरे बाप की बात है। उस्ताद जी बस रोकना जरा, चल यार चल, पक्के टाइम की गाड़ी है, चल। ओ यार मेरी बात, चल यार बातें कर रहा है। पाना तोती बता रहा है कि मीतू घर छोड़ के चला गया। हाय री प्रीरो, क्या बताऊं तुझे, इस पिंड वालों के सिरे चढ़ के मेरा पुत के घर छोड़ के चला गया। नी बेड़ा घर को उस रीमे का जिसने मेरे पुत को बरगलाया, तो काकरा का डर है उस मुर्शी का जिसने मेरे पुत्र को भड़काया, तो मैं कहती का बेड़ा करके तेरे चाचे का इसने चित्रा चित्रे मेरा पोत को कोट के इस पेट से नसा दिया। आए मेरा मसूम पुत्र, पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा, इनके कलेजों में डांट पड़ गई। बस कर जा, जानता हूँ तेरे पुत्र को मैं, औकात क्या उसकी, अभी भूख लगेगी पजा आएगा। ओ जाओ जान दे, एक गल कर खोल के सुन ले, जे मेरा पुत घर ना आया तो मैं भी चली जाऊंगी घर छोड़ के। तू हौसला कर बाला, कितने जाना है उन्हें, अभी जाके मैं देखती हूँ पिंड में, यहीं कहीं होगा। तू किधर जा रही सीमा? हिसाब लेने जा रही हूँ उनसे, जिनके सिरे चढ़ के मीदू हमें छोड़ के चला गया। पूछने जा रही हूँ उनसे कि क्या बिगाड़ा था मीतू ने और मैंने उनको।
निकल जा। और मेरे तारे चांद जानना बड़ी तेरा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं। निकल बा चल उठ निकल जा दोस्त निकल 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 जा। बस मैं जा रहा हूँ जा मैं हूं वापस ही नहीं आऊंगा। अरे सीमा मर गई। सीमा तुम लोगों के मार दिया तुम लोगों ने मुझे। ये तू इस वक्त अकेली ना हुआ क्या? ना जो होना था वो तो हो गया। मां मार दिया मुझे तेरे पुत्र को और दे तू अमीर जवाइयों को मेजों पे रोटी। गरीबों की तरफ क्यों देखेगी? और मेरे साथ तो तूने हमेशा ऐसे ही किया मां। इस शहजादे की दर्द उठाए तूने हमेशा। दुश्मन समझते हो तुम लोग मुझे अपना गरीब समझते हो। सीमा सीमा तुझे हो क्या गया? जो मुंह में आता बोलती चली जा रही है। चली हो गई है क्या? चली हो गई हूँ पागल हो गई। जिनके सिर के सारे छोड़ के चले जाते हैं ना वो पागल हो जाते हैं चले हो जाते हैं। वो कुछ नहीं रहता उनके हाथ में। भाई मैं मर गई। ये क्या कह रही है तू? खुश हो जा एक और मौका मिल गया तुझे पिंड में लड्डू बनने का। जा चली जा जा जाके बता पिंड वालों को कभी तू चला गया पिंड छोड़ के चला गया मीतू मुझे छोड़ के। कहां चला गया मीतू पिंड छोड़ के? हौसला कर मेरी पैर हौसला कर। खबरदार जो मुझसे हमदर्दी करने की कोशिश भी करता एक बात बता दे अपने उस मोटमारी कसम को मेरा मीतू वापस ना आया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। नहीं नहीं होश कर क्या बकवास कर रही है तू? मैंने तो हमेशा से बकवास ही किया अम्मा। रूढ़ी से उठा के लाई है ना तुमने यही सगी है तेरी। एक बात कान खोल के सुन मर गई सीमा तुम लोगों के लिए। याला ये हो क्या गया? बेबे लगता पामी तो वाकई चला गया। बेबे अंधेरा हो रहा है चल वापस चलते हैं। अगर पामी तो ने आना होगा आप ही आ जाएगा। हाँ ये पता नहीं कितने पटक रहा होगा मेरा भी। हौसला कर बाला कुछ नहीं हुंदा आ जाएगा वापस। उन्हें कितने जाना है? सारा कसूर ऐसा का है जो ये तो बैठा है ना ऐसे 20 साल उसको शितर मार मार के तड़ाया इस कार से। अच्छा इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने उसको कहा पिंड छोड़ के जाए। मैंने कहा था कि रीमा के साथ इलेक्शन लड़े। जो मुकद्दर में होता है ना वही होता है बाला। इसमें पामंदू बेचारे का क्या कसूर है? पापा मनीर मीदू नहीं आया। बैजा मेरी थी बैजा आ जाएगा। परेशान क्यों होती है? कितने जाना है? किधर टूटू अपने लाल को बेचारे के बहुत जो मेरा पैहरा थेला पता नहीं किन आलो में फिर रहा होगा मेरा पुत।
ना कोई टुकर खाया, ना कोई रोटी खाई, ना कोई लस्सी भी आज भुक्का पाड़ा। बाना हौसला कर, सवेरे भेजते हैं ना पामंदू को चकबारा, उधर ही गया होगा ना फूफी के पास, और किधर जाना है उसने। तो यही मैं कह रहा था कि कल मैं चला जाऊंगा चकबारा, ले आऊंगा उसको वापस। बस कर चुप कर, जब ले आएगा तो जाके एडा तो पलवार किधर है मैं अभी, इन्हें जो का होता ना तो मेरा पोते सरकार झड़ के नहीं जाता। और काले लई उसको मैट्रिक कराया था, जो उसने ये खोती रेडियो के काम कर रहे थे, तुझे तो एक ही काम है भांडे मिट्टी का बना छोड़े और तोड़ छोड़िया, और ऐसे तरह मेरे पोत का दिल भी तो तोड़ छोड़िया है ना, तो मैं उसे जज लगवा देता। चल चाचा तू ही चुप कर जा, देखता नहीं परेशान है बेचारी, रो रही है, हालत खराब है ना। ये औरत नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, मैं भी चला जाऊंगा मैं भी। और जा चला जा, चला जाऊंगा, एडा तू आया मैं करिए सूरज तारा। चल बाला ए नहीं जाए, ए तो आएगा नहीं तो क्या सूरज नहीं चलेगा। जा जा तू तो चला जा, चल चुप कर जा, चुप कर। छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद आए रे तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद आए रे। आंखें बरस बरस गई तरस तरस दे दे एक झलक हाय रे, अपना अपना भाए तेरे बिन मुझे चंगे ना आए, तेरे बिन मुझे दे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ, अभी कल की है बात हाय रे। तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार, तेरे जाने के बाद आए।